हमारा एक ही चीज़ है कि काम से जितना हम लोग काम से काम कर रहे हैं उतना हमको पगार दीजिए। आज अगर हमने ये संप रखा है तो कुछ हमारी भी उम्मीदें रहेगी उनके ऊपर। जितना वेतन मिलता समान वेतन समान काम, ये नारा आज से 4 साल से लगा रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ मालूनी बस टर्मिनस के पास, जहाँ बेस्टी के जो कॉन्ट्रेक्टर वर्कर्स है, जो कॉन्ट्रेक्टर ड्राइवर्स है, उन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है। आज तीसरा दिन है बेस्टी की बस स्ट्राइक का। आइए जानते हैं कि उन्होंने ये स्ट्राइक क्यों किया है। पर मुंबई के बेस्टी की एसी बस जो नवी इलेक्ट्रिकल बस है वो नहीं चल रही है। आइए जानते हैं क्या प्रॉब्लम है। भाई क्या प्रॉब्लम है? आप सब पूरा मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो वर्कर्स है उन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है। हमारी कुछ समस्या नहीं है, हमारी एक ही समस्या है कि हम बीएसटी के वर्क जितने भी है हम लोग कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। हमने कोई काम में काम चोरी नहीं किए ना हमने कुछ किया है। हमने ऐसे बोले कि हमको पगार कम है तो हम नई गाड़ी चलाएंगे। हमको जितना काम दिया जा रहा है हम उतना काम कर रहे हैं, हम लोग उनसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जगह कंधे से कंधा मिलाने के बाद भी हमको सम्मान पैसा नहीं मिल रहा, पगार नहीं मिल रहा है। अगर वो 40-50 हज़ार कमा रहे तो हमको आज भी 18 हज़ार ही दिया जा रहा है। काम तो हम उतना ही कर रहे हैं। हमारा एक ही चीज़ है कि काम से जितना हम लोग काम से काम कर रहे हैं उतना हमको पगार दीजिए। आज हमारी जो भी हमको जो भी होगा बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट वाले हो तुम लोग, कॉन्ट्रैक्ट वाले हो। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट वाले हो तो हमारे साथ जो काम कर रहे हो वो भी तो है, उनको पगार क्यों 40-50 हज़ार दिया रहा है? वो जो काम उन्होंने नहीं, आपको आप लोगों को बीएसटी ने एक कंपनी को हायर किया है, वो कंपनी ने आप लोगों को जॉब पे रखा है, बराबर ऐसा है? तो उसमें अभी क्या प्रॉब्लम है और आपकी क्या डिमांड है अभी आगे? सर जैसे कि आपने बोला कि कंपनी ने हमको हायर किया है, हमको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है। हंसा आपकी कंपनी? हंसा सिटी बस प्राइवेट लिमिटेड जो भी किया है कंपनी ने रखा है। पर कंपनी हमसे काम क्या करा रही है? जो सम्मान जो बीएसटी वाले कर रहे वही हम भी कर रहे हैं। पर हमारे पे ऐसा क्यों धब्बा लगाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले हमको क्यों ऐसा? काम हम लोग वही कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कम काम कर रहे हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, सब एक साथ एक समान हो रहा है। यहाँ जो काम वहाँ वो किए जा रहे वही काम हम भी कर रहे हैं, वही रूट है, वही पैसेंजर है, वही सब कुछ है। इसके वजह से हमारे को बहुत दुख हुआ है कि हमको काम जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना हमको नहीं मिल रहा। 18 हज़ार में आज की डेट में किसका घर नहीं चलेगा? बड़े बड़े साहब लोग बहुत बैठे हैं, प्रधानमंत्री उनको ही पता होगा कि क्या भाव है क्या है। तेल मसाले का भाव उनको नहीं पता होगा, उनके घर पहुँच रहा है, हमारे घर में नहीं पहुँच रहा है। 8 घंटा हम काम कर रहे हैं, 8 घंटा वो काम कर रहे, सब दोनों मेहनत कर रहे। हमको सम्मान दो, जितना उनको मिल रहा उतना हमको दो पैसा। ये आपकी मांग है कि जितना बीएसटी के फिक्स वर्कर को मिल रहा है पुराने, उतने ही जो ये हंसा कंपनी वाले हैं उनको भी मिले। जो फैसिलिटी उनको दिया जा रहा है वो फैसिलिटी हमें भी दीजिए। अच्छा सैलरी के साथ सारी फैसिलिटी हो, जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो फैसिलिटी में सब। अभी ये जितने यहाँ पे खड़े सारे हंसा वाले, सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले, सब बस चलाते तो ये अपने अपने मर्जी से इधर खड़े, सबको तकलीफ है इसके लिए आज ये खड़े। कोई फोर्स करके नहीं बोल रहा है तेको तकलीफ है, जिसको तकलीफ वो खड़ा है इधर। तो आज इलेक्ट्रिक की एसी की बस नहीं निकली, एक भी बस नहीं निकली, एक भी बस नहीं निकली है। कितना डेपो ऑपरेट करते हैं हंसा वाले? हंसा वाले का 4 डेपो है। कौन सा? एसी इलेक्ट्रिक में 4 डेपो है। कौन सा कौन सा? शिवाजी, बैगबे, मालूनी डेपो, और 4 डेपो स्ट्राइक पे है। स्ट्राइक शुरुआत तो घाट के ऊपर मुलुंड वालों ने किया था, बाद में फिर आज तीसरा दिन है तो सबको समर्थन। पहले बाकी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ने स्टार्ट किया, पर जो उनका मांग था वो समान मांग था, हर एक कॉन्ट्रैक्टर का मांग वही। आपका क्या नाम सर जी? अमन तिवारी। तिवारी जी पिछली बार भी ऐसी कुछ हुआ था सैलरी को लेके या बेसिक जरूरतों को लेके कॉन्ट्रैक्टर जो वर्कर्स है उन्होंने स्ट्राइक किया था, तो उस टाइम पे क्या बोला गया था कि आपको वापस से दोबारा हड़ताल करना पड़ा? बढ़ देखो हमको बोला जाता है कि पगार बढ़ेगा, आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, पर आज धीरे धीरे 2 साल पर्सनली मुझे 2 साल हो गया है, हमारे सीनियर भाई लोग हैं इनको 3-3 साल हो गया है, हमारे से पहले काम किए। क्या नाम? मेरा नाम निमेश जयेश देसाई है। हाँ। मैं कोविड-19 में काम पे लगा हूँ, जहाँ पूरा भारत बीमार था जब हम लोगों को बीएसटी ने काम पे लिया था। आज तक ना पगार बढ़ी हम लोगों की, ना पीएफ में कुछ फैसिलिटी है, ना मेडिकल में जो मतलब जो फैसिलिटी। कोविड में भी सर्विस दिए? कोविड में भी फुल सर्विस दिए, हमारे को कोई कोविड में फैसिलिटी नहीं मिली, ना भत्ता मिला, सम्मान में भत्ता खा गई कंपनी जो भी है। मतलब अभी हमारी एक महिला बहन आज़ाद मैदान में बैठी हुई है, हमारे चालक की एक वाइफ है, जो एकनाथ शिंदे साहब आज़ाद मैदान में आते जाते बहुत से मंत्री मुख्यमंत्री, तो वो 3 दिन से हमारी बहन बैठी हुई है, उनको बाजू में रह के नहीं दिख रहा है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में बस अगर महानगर पालिका को बस डालना चाहिए, एक्चुअली महानगर पालिका को कॉन्ट्रैक्ट बेसिक हटा के उनकी खुद की फैसिलिटी की बस डालना चाहिए और महानगर अच्छे से चलाना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे अगर ये सब मुद्दा चलते रहेगा, जैसे मेट्रो है, बीएसटी है,
बीएमसी है, अगर सभी चीज़ अगर एकनाथ शिंदे साहब और जो फडोले साहब है वो अगर ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे देते रहेंगे, मोदी साहब भी अगर सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगी तो भारत के जो नागरिक है वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो कुछ हक अधिकार चाहिए क्या? नहीं, मुंबई महानगर पालिका में हम लोग रहते तो हम लोगों को कुछ फैसिलिटी चाहिए क्या? ये भाई को भी कुछ बोलना है, बोलिए सर। मेरा ये कहना है हमको कॉन्ट्रैक्ट, जोर से बात करो। मेरा ये कहना है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले करके हम लोग कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ना हमको सीएल मिलता है, ना पीएल, ना ईयरली लीव मिल रही है, यहाँ तक कि वीकली ऑफ भी हमको भर के नहीं दे रहे। प्लस बोलते हैं सैलरी बढ़ाए, लेकिन आज तक हमको कुछ सैलरी बढ़ के आ नहीं रही है। अब 16,000-17,000 में हम लोग कैसे घर चलाएंगे? बच्चों का स्कूल का फीस है। अब्दुल रजाक शेख नाम है, मालोनी डिपो का ड्राइवर हूँ। और मेरे भाइयों लोग की तरफ से ये कहना है मुझे कि हमें बीएसटी कामगार घोषित करने की विनती करता हूँ मैं, कि ये आप लोग की सर्विस से, आप लोग के पहुँचाने से, जैसे आप लोग आगे मैसेज पहुँचाओगे तो हमारे लोग का भला होएगा, तो वही हम लोग की रिक्वेस्ट है आप लोग से, न्यूज़ वाले के थ्रू से। ओके, देखिए दरअसल ऐसा है कि आज जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सब 2-3 साल पुराने हैं, और आज ये खड़े किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, हर कोई अपनी मजबूरी के हिसाब से खड़ा है। पहले मैं 273 गाड़ी चलाता हूँ, सबसे पहला उसमें लिखा है साइका से मार्गदर्शन मार्ग, मतलब उसके पीछे मतलब गाड़ी मत लो, विदाउट अगर कोई सपोर्ट है तो गाड़ी मत लो। लेकिन हम लोग को अकेले गाड़ी चलाना पड़ता है, कई जगह ऐसा होता है गाड़ी रिवर्स लेना पड़ता है, और ऐसा मतलब किसी से लग जाए कुछ है, तो सबसे पहला हम लोग का रिस्क ये। हाँ, तो अगर बिना कंडक्टर के बस, बिना कंडक्टर के, और वही चीज़ आज बीएसटी वाले गाड़ी चला रहे विद कंडक्टर चला रहे, वो लोग के लिए। मेरा नाम इरशाद शेख है, मैं हंसा सिटी प्राइवेट बस लिमिटेड में काम करता हूँ। जैसे कि अभी हमारे सभी भाइयों ने जो कहा वो कोई अलग बात नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ एक और नई चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बीएसटी के रूल हम पे लागू है। बीएसटी का माइलेज, बीएसटी का स्टाफ रूम, बीएसटी की कैंटीन, हम सारी चीज़ें बीएसटी के हम यूज़ करते हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा भी हुआ टोटली बीएसटी का, टोटली रूल्स हम फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि हम उनका रेस्ट रूम यूज़ करते हैं, उनकी कैंटीन यूज़ करते हैं, उनका माइलेज यूज़ करते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो हंसा का पर्सनली माइलेज, हंसा का पर्सनली रेस्ट रूम और हंसा का पर्सनली कैंटीन, ये क्यों अप्रूवल नहीं करते? अगर आपके एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ को बीएसटी का टैक्स लाइन से आपको हटाना है, तो आप अपने बीएसटी से बसों से हंसा का स्टिकर लगवाइए और बीएसटी का बसेस हटा दीजिए। वो उनका अंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा ना, बीएसटी कंपनी का अंडरटेकिंग कंपनी में काम अगर हम कर भी रहे तो बीएसटी का अंडरटेकिंग में हम काम कर रहे हैं, बीएसटी हमारे से लोग आउट नहीं करती। हमारी कंप्लेंट होगी तो हमारे हेड ऑफिस में जाती है, और हमारा बस यही कहना है कि हंसा सिटी पहली अंडरटेकिंग बस कंपनी है पूरे ऑल ओवर मुंबई में, उसके बाद डागा आई, उसके बाद मातोश्री आई, उसके बाद बहुत सी कंपनी आई, लेकिन अंडरटेकिंग हंसा पहली ऐसी कंपनी है जिसने बीएसटी अंडरटेकिंग में काम किया है। और ये कंपनी 2019 में एस्टेब्लिश हुई थी, कोविड-19 में हमने सबने काम किया है, कोरोना काल में प्राइवेट लोग यहाँ से काम छोड़कर जा चुके थे, हमने हमारी जान की परवाह ना करते हुए हमने सर्विस दी है कंपनी को, और आज ये कंपनी हमारे 18,000-18,500 में कुछ होता नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, आज ऑल ओवर मुंबई में या पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो लैग लगा है, आज सेंट्रल हो, राज्य हो या केंद्र हो, मुद्दा ये है कि अगर 8 घंटा हम काम कर रहे हैं तो 8 घंटा वो भी काम कर रहे हैं, और उनसे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, और उन लोगों को जितना वेतन मिलता है, समान वेतन समान काम, ये नारा आज से 4 साल से लगा रहा है। आज हमारे भाई अलग अलग डेपो में यहाँ पे स्ट्राइक पर लगे हैं, चाहे वो घाटकों पर हो, विक्रोली हो, बैकबे हो, शिवाजी नगर हो, मालवनी हो, पूरे मुंबई हो, और कोई अलग नहीं, हम सब एक ही भाई है, हमारी कोई मांगे अलग नहीं है, जो वो काम कर रहे हम भी वही काम कर रहे हैं। बस हमें इतना करना है, हमें हमारे भाइयों को सपोर्ट करना है, और हम हमारे कंपनी का नुकसान करा के हमारी कंपनी को हम ये जताना नहीं चाहते कि हम हार गए या हम जीत गए, आप हार गए, हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू ये एक मैसेज पहुँचे और हमारी परेशानी, हमारी तकलीफ आप तक जाहिर हो। ये आपका क्या नाम सर जी? सतीश कांबले। बोलो कांबले साहब, आप क्या बोल रहे थे? मैं मालवनी नगर डिपो में काम करता हूँ, हंसा सिटी बस प्राइवेट लिमिटेड। तकरीबन मेरे को 3 साल होते आ रहे सर, यहाँ पे पूरे पगार की जो आप बता रहे, सब लोग बता रहे 18,000 रुपया, वो पूरा तोड़ तोड़ के मिल रहा है। उसके अलावा अगर 18,000 में आपका अगर घर चलता है तो ये सरकार को दिख रहा है, महंगाई इतना बढ़ा रहा है, गैस बढ़ा रहा है, घर का राशन तक अपन खरीद नहीं पा रहे। यहाँ पे ज़्यादातर ड्राइवर्स जो रेंट पे रह रहे
उनका तकरीबन 8,000, 10,000, 6,000 भाड़ा भर रहे, घर में क्या बचेगा? ये छोटे छोटे बच्चे रहते, अभी ये स्कूल के बच्चे लोग है, आज अगर हमने ये संप रखा है तो कुछ हमारी भी उम्मीदें रहेगी उनके ऊपर कि हमारे घर वालों ने भी हम लोग को ड्राइवर बनाया या हम उम्मीद से बने हैं। तो एक बस ड्राइवर लोगों को जॉब पे पहुंचाता है, उनसे उनका घर चलता है, लेकिन इनका घर चलने का ये प्रॉब्लम कैसा खत्म होगा भाई? ये जो आज बस चल रही है तो ये कम है कि क्या है? बहुत ही कम है, इनके पास जितने लिमिटेड बस है माधुरी डेपो में पहले से BST का 22 या 25 बस होगा, वही बस इलेक्ट्रिक एसी बस नहीं चल, इलेक्ट्रिक बस एक भी नहीं चली है, एक भी नहीं। हमारे सब ड्राइवर को तकलीफ है, एक को नहीं। और अगर चलो खाली माधुरी डेपो को तकलीफ होता तो समझ में आता, जितने कॉन्ट्रैक्ट डेपो से सबको तकलीफ है, हर एक ड्राइवर को तकलीफ है, इसके वजह से सब आज ये हुआ है। सारे डेपो का जो भी है, ये बच्चा भी काफी टाइम से खड़ा है। बेटा आप क्यों खड़े? मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, मैं आज लेट हो गया था, मेरे को बस नहीं आई आज। कहाँ से आप कहाँ रहते हो? मालूनी मलाड। और कहाँ जा रहे थे स्कूल? हम लोग 7 नंबर जाते हैं। तो आपको बस नहीं मिली तो स्कूल से बाहर भेज दी? हाँ। तो आपने बताया नहीं बस थी नहीं आज? बताया ना, तो बोले कि रिक्शे से आना चाहिए था, तो बोले मेरे घर पे इतना पैसा नहीं है कि मैं डेली रिक्शे से आ सकता हूँ। आप मालूनी में कहाँ रहते हैं? माडा अम्बोजवाड़ी में। देखो ये अम्बोजवाड़ी वो एरिया है जहाँ पे कुछ दिन पहले 250 झोपड़े तोड़े गए थे, जिनकी इनकम कम है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि रिक्शे से स्कूल जाए, तो बस मिली नहीं बच्चे को, ऐसा उसका कहना है। ये दूसरा बच्चा भी खड़ा है, बेटा आप क्यों खड़े? आप भी स्कूल नहीं गया? नहीं मैं गया ना। अच्छा जाके आए? नहीं आप खड़े थे इसलिए मैं बोला शायद आपको ही बस नहीं मिली। ये थे हमारे साथ BST इलेक्ट्रिक AC बस के कॉन्ट्रेक्टर बेसिस ड्राइवर कंडक्टर्स लोग, जो फिलहाल अपनी सैलरी को लेके और बाकी की बेसिक ज़रूरत को लेकर परेशान है, और पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है स्ट्राइक पे है। रिक्शा शेख गली न्यूज़ मलाड से।